ग्रेड्स एंड आई रियली वांट जस्टिस फॉर दैट बिकॉज अगर अब हम बुरे ग्रेड्स आए तो यूनिवर्सिटी वाले जो अभी जा रहे होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा, और अगर हमें अभी भी ख़राब ग्रेड्स आए तो हम अभी रीटेक्स दे के अपने माँ बाप के पैसे ज़ाय करेंगे. सो दिस इज़ रियली नॉट द सिस्टम वी वॉन्ट. वी रियली वॉन्ट चेंज. थैंक यू. वी वॉन्ट कैम्ब्रिज टू री इवेलुएट आर ग्रेड्स, क्योंकि हमारी जिस तरह से ग्रेडिंग हुई है उसमें हमें किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा. माई ए टर्न इन टू डी, माई सी टर्न इन टू ई. आई एम आस्किंग वाई दिस इनजस्टिस. ये हमें जस्टिस चाहिए. हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले. हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारा साथ दे और कोई पॉजिटिव सोल्यूशन इस बात का निकाले. थैंक यू. हम कैम्ब्रिज के रिजल्ट के खिलाफ है और हमारी अपील है कि बच्चों को अच्छे गुड ग्रेड दिए जाएँ क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है. और हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए. और हम दोबारा से कोई इस पर समझौता करने को तैयार नहीं है. और बच्चों को आप जो है अच्छे ग्रेड से पास करें क्योंकि उनके मुस्तकबिल का सवाल है. और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे बच्चों का साथ दें, उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो. टैक्स लगाते हुए तो वो पीछे नहीं हटते हैं, अब वो कहाँ सो रहे हैं. तो मेरी अपील है कि इमरान खान साहब से कि वो आगे आए और बच्चों को उनका सही हक दिलवाए. नाम मदन यासी है और हम लोग कैम्ब्रिज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कैम्ब्रिज ने जो अपना ग्रेड्स का फॉर्मूला यूज़ किया है वो गलत होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के जो पहले साल ए स्टार्स आए थे वो सीधा दूसरे साल यूज़ या ईज़ या बीज बन गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ बहुत जाती हुई है और उन्हें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन नहीं मिल रहे. तो हमारा पहले नंबर पे कैम्ब्रिज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है कि कैम्ब्रिज वाले हमारी ग्रेड सही करके भेजें. दूसरे नंबर पे हमारा प्रोटेस्ट कॉलेजेस के अगेंस्ट है जो हमारा रिज़ल्ट सही तरह से नहीं बना के भेज रहे और अब हमें बता रहे भी नहीं है कि हमारा रैंक क्या भेजा था. तो दूसरे नंबर पे हम कॉलेजेस से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी लाएँ, हमें बताएँ हमारा रैंक क्या था ताकि हमें सही से पता चले. तीसरे नंबर पर हमारा प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हमारे लिए एक्शन नहीं ले रही. शुक्रिया. सब नाजमन बात की न्यूज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.